तो अभी पता नहीं क्या सिस्टम है, एकदम से पलक शॉट मार रही है। आई थिंक इसके अंदर कुछ मिस्टेक है भाई। सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। सो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो अभी हमारा NS फुल पावर वापस आ चुका है, बस थोड़ी बहुत दिक्कत है जो इसका दिखाना है हमें। तो मैं आपको पहले बाइक दिखाता हूँ। तो ये अभी अपने कुछ बाइक का हाल है, वॉश वगैरह मैंने अभी खुद ही घर पे किया था। तो देख रहे हो एकदम चमचमा रही है, आए हाय किसी की नज़र ना लगे। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अपनी NS फुल पावर वापस आ चुकी है, जैसा कि मैंने बोला था 2-3 दिन से सर्विस में दी हुई थी। तो देख रहे हो अभी बिल्कुल धोई है, तो एकदम से देखो पानी लगा हुआ पड़ा अभी भी, तो सुकून मिल जाता है। तो अभी का राइड है जो ऑसम होने वाला है, तो लेट्स गो, मिलते हैं आपको सीधा कैमरा पे। फुल पावर बाइक के ऊपर आ गए और देख सकते हो अभी NS काफ़ी सही है। बस मेरे को ये कुछ 2 ईयर चेंज करवाने हैं, तो जल्दी इसको चेंज करवा देंगे। और ये बाय द वे इधर जो साइड स्टैंड का सेंसर दिखा रहा है वो क्या है, थोड़ा ख़राब हो गया है, तो उसी को चेंज करवाएंगे। तो अभी फुल पावर निकलते हैं गाइज और मिलते हैं आपको सीधे हाईवे पे। तो 3-2-1 लेट्स गो। तो पावर की बात करूँ तो भाई NS का पावर एकदम से बदल गया है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मेरे को अभी NS को भगाने में, और हल्का सा कहीं पर भी एकदम मिस्टेक नहीं लग रहा है। तो अभी फुल पावर निकले हैं, तो जैसा तो ये देख रहे हो कितनी सारी बकरियां वगैरह हैं, देख रहे हो। तो भाई ये यहाँ पे इधर चराने के लिए लेके आता है भाई, हाईवे से पहले ये दिक्कत आ गई। तो अभी पता नहीं क्या सिस्टम है, एकदम से पलक शॉट मार रही है। आई थिंक इसके अंदर कुछ मिस्टेक है, तो इसी को चेंज करवाना है। बाय द वे मैं ये बताना भूल गया था कि ये मेरे को चेंज करवानी है, क्या है इसी की वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। देखते हैं अभी चालू हो जाएगी है। ओके फुल पावर, तो ये मेरे को कॉइल है वो चेंज करवानी है, जल्दी इसको चेंज करवा दूंगा भाई। अगर बाय द वे कहीं पे लॉन्ग रूट के लिए निकलते हैं, अगर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके अंदर कॉइल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो जल्दी मैं सही करवा दूंगा भाई, 1-2 दिन के अंदर जल्दी करवानी पड़ेगी। तो देख रहे हो बार बार प्लग शॉर्ट हो रहा है यार, मेरे को दिक्कत ना दे देगा रास्ते में, उसका क्या कर सकते हैं, चेंज ही करानी पड़ेगी। तो जुगाड़ लगाते हैं शायद इससे कुछ काम बन जाए। सोचा नहीं था यार NS इतना परेशान करेगी हमको, पर इसके प्रॉब्लम को अब क्या करें, देखना तो पड़ेगा। और शायद मेरे को ऑफिस पहुंचते तक ये बहुत परेशान करेगी, और अभी मेरे को इसका सिर्फ कॉइल ही चेंज करवाना है। तो भाई सब ठीक हो, भगवान यही दुआ कर सकते हैं। देख रहे हो जादू, मतलब कि मैजिशियन का काम करने लग गए हैं, कभी कभी तो ऐसा फील होता है। पर यार ये चलते चलते अगर ऐसे करेगी तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, जबकि हमारे मिस्त्री जी ने बोला था कहीं दिक्कत नहीं आएगी तुमको, और दिक्कत तो हमको यहीं पर मिल रही है। चलो भाई बढ़िया, फाटक भी खुल गया, वरना यहाँ अगर खड़े होते तो काफ़ी लंबा जाम लग जाता, और ऑलमोस्ट लंबा जाम है। भाई देख रहे हो यार, मैं इसी प्रॉब्लम को बार बार नहीं देख सकता। तो उतर के लेना पड़ेगा NS, आज हमारी हालत ख़राब पड़ेगी पूरे। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और NS का प्रॉब्लम हो तो हमें देखना ही है। तो भाई अभी जब तक NS फुल पावर तैयार नहीं होती, जब तक हम इसे नहीं चलाएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में भाई। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते रहो, पीते रहो। ओके गाइस, गुड बाय।